हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक रेसिपी वीडियो लेके आई हूँ और ये रेसिपी है आलू के मीठे की रेसिपी। तो जिन लोगों को मीठा बहुत पसंद है और जो झटपट मीठा बनाने का और खाने का शौक रखते हैं उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। तो इसके लिए मैं सिर्फ आलू की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे कि मैंने 3 आलू ले लिए हैं, उनको छील लिया है और छीलने के बाद इनको हमने कर देना है कद्दूकश। और कद्दूकश करने के बाद जो इसमें एक्स्ट्रा पानी रहेगा उनको उसको हमने निकाल देना है अच्छे से। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। तो ये बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है और इसमें ज़्यादा झंझट भी नहीं है। आसानी से बनने वाली और जल्दी से बनने वाली रेसिपी में से है ये, और इसमें ज़्यादा इन्ग्रीडियंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। तो बस कद्दूकश करने के बाद हमें चाहिए घी, और घी को कढ़ाई में डालने के बाद जब घी गर्म हो जाएगा तब हम इसमें आलू डाल देंगे। और घी भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर इसमें घी ज्यादा हो जाएगा तो लास्ट में जो इसमें एक्स्ट्रा घी रहता है वो ये आलू जो है वो छोड़ देते हैं। तो आप इसमें घी कम ही मात्रा में रखें तो ठीक रहेगा। तो अब मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं, और अगर आप इनको ऐसे ही इसका मीठा खाना पसंद करेंगे तो आप इस जब घी में आलू डालेंगे उसके साथ साथ ही चीनी डाल दीजिएगा। मैंने तो इनको थोड़ा सा पकने दिया था, उसके बाद चीनी डाली थी और तब ये अच्छे से घुल गया था। अगर आप इसको ऐसे ही खाना पसंद करेंगे तो आप इसमें साथ के साथ ही चीनी ऐड कर दीजिएगा। तो ये देखिए मैंने इसमें अब चीनी मिला ली है और ये मतलब मैक्सिमम पकने ही वाला है, बस इसमें थोड़ा बहुत ही कमी बची है इसको पकने में। तो अगर आप इसमें ड्राई फ्रूट डालना पसंद करते हैं तो आप उसमें वो भी डाल सकते हैं। मुझे तो नहीं पसंद है ड्राई फ्रूट, तो मैंने इसमें नहीं डाले थे। और अगर ये चिपक गया अगर बाय चांस नीचे, तो आप इसको ठंडा होने के बाद इसको ये छूट जाएगा इसमें कढ़ाई में से। तो ये बहुत ही जल्दी और आसानी से बनने वाली रेसिपी है और इसको कोई भी बना सकता है। इसमें कुछ भी झंझट की ज़रूरत नहीं है, ना ही ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत होती है। तो हमारे इधर तो ये आलू का मीठा खाना बहुत पसंद करते हैं और ये बहुत जल्दी भी बन जाता है और बहुत टेस्टी भी होता है। तो जिस जिसको मेरी ये रेसिपी आलू के मीठे की रेसिपी पसंद आई होगी, जैसे आप सूजी का हलवा बनाते हो ना जल्दी बन जाता है, तो वैसे ही ये वाली रेसिपी है। तो जिस जिसको मेरी वीडियो ये रेसिपी पसंद आई होगी वो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपने ये डिश ट्राई की तो कैसी बनी। और ये देखिए ये सर्व कर दिया मैंने मीठा, आप इसको रोटी के साथ या ऐसे भी खा सकते हैं। तो ये थी मेरी वीडियो, एंड मेरे चैनल में अगर आप नए आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।